दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। दलाई लामा को बदनाम करने की कोशिश के खिलाफ रिवाल्सर में प्रदर्शन किया गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे दलाई लामा के एक विवादास्पद वीडियो के विरोध में शुक्रवार सायं तिब्बती समुदाय व बौद्ध धर्म अनुयायियों ने रिवाल्सर में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों बौद्ध अनुयायियों ने भाग लिया तथा अपने हाथों में कैंडल मशाल लिए रिवाल्सर झील परिक्रमा सड़क मार्ग पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया। तिब्बती लोगों ने कहा कि दलाई लामा एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, पूरे विश्व में उनकी अलग पहचान है, उन्होंने हमेशा विश्व शांति का संदेश दिया है। अनुयायियों ने एक स्वर में कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। उन्होंने इसे लोगों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने तथा धर्मगुरु को बदनाम करने की एक ओछी हरकत करार दिया है। जो शांति कैंडल मार्च इसलिए है कि जो फरवरी कुछ तारीख को जब NDTV वगैरह कुछ चाइनीज के प्रोपेगेंडा से दलाई लामा जी को थोड़ा सा बदनाम किया हुआ है, इसके वजह से हम ये सख्त कंडम करते हैं कि दलाई लामा जी के खिलाफ ऐसा जो बनाया। वो दलाई लामा जी पूरा उम्र शांति और भाईचारा के पाठ पढ़ाते आए हैं, तो उनको ऐसे बदनाम करके हम इसको बिल्कुल कंडम करते हैं। इसके संदर्भ हम सपोर्ट करके ये शांति मार्च आज निकाल रहे हैं। बस ये जो अभी जो हमारे रिवाल्सर के लोग जो परिक्रमा लिया था, एक परिक्रमा गया था और उसके बाद हम अभी पूजा चला हुआ है, फिर ये जो परिक्रमा हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो दलाई लामा जी का एक इंटरेक्शन हुआ था एक छोटे से बच्चे के, जिनका माँ बाप भी वहाँ मौजूद था, 122 कुछ बच्चा भी था, उनका ऑडियंस था दलाई लामा जी के साथ। तो वहाँ पर जो क्लिपिंग हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, वो पूरा मतलब अगर मिलाएगा तो कम से कम 10-15 मिनट का इंसिडेंट था। एंड उसी इंसिडेंट को क्या किया था, इन्होंने कुछ जो दलाई लामा जी को बदनाम करना चाहते उन्होंने क्या किया, उसको एडिटिंग करवा दिया। जो लंबा सा है, जो 7-8 मिनट का जो क्लिप है, उसको काट के सिर्फ 20 सेकंड के अंदर उसने एक ऐसा क्लिप निकाल के उसको वायरल करवा दिया। और जहाँ तक सोर्सेस का कहना है कि वो जो जिन्होंने भी किया था वो कुछ बोलते हैं कि रॉबर्ट रीड एक फेक आईडी बनाया था, कुछ लोग बोलते हैं चाइना का, वो कुछ सोर्सेस जो हम जहाँ तक रिसर्च किया था इन्होंने ये पाया था। अब हमारा ये है कि दलाई लामा जी, हमारा परम पूजा दलाई लामा जी जो सिर्फ तिब्बती समुदाय का नहीं है, वो हिमालय का जितना भी हमारा लद्दाख है, भूटान है, नेपाल है, कहीं से भी आके जितना भी दलाई लामा जी को श्रद्धा रखता है, उनकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। क्योंकि दलाई लामा जी 87 साल के हो गया अभी, और तो आज तक इनका जो लाइफ जो था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था हमारे ज़िंदगी में, दुनिया भर जानते हैं, कोने कोने से जानते हैं कि दलाई लामा जी का मकसद क्या है। और हमेशा जो हमारा शांति, करुणा और अहिंसा के बारे में जो अभी तक प्रमोट करता रहा, उसको कुछ मतलब जो मिसचीवस बोलते हैं उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके छोटा सा एडिटिंग करके उनको डाल दिया, कहीं फेसबुक में डाल दिया, यूट्यूब में डाल दिया, उसके बाद NDTV वाला है, एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन फॉर NDTV। इन्होंने क्या किया था, उसको सबसे पहले मीडिया से, उनका कोई रिलायबल सोर्सेस नहीं है, जहाँ जिनके पास कोई इथिक्स नहीं है, वहाँ से उनको क्लिपिंग करके नेशनल TV पे इन्होंने एडवर्टाइज कर दिया। तो NDTV का जो क्लिपिंग था उसको जो फॉरेन का जिन्होंने कोई उन्होंने पूछताछ भी नहीं किया, ना टिबेटन लीडरशिप को बात किया था, ना हमारे जो उस टाइम पर माहौल जो बसा हुआ था, किसी से भी नहीं पूछा था, इन्होंने सीधा वायरल कर दिया। और ये CNN है और भी बहुत से इंटरनेशनल चैनल्स है, वहाँ पर भी आ गया। तो वो जितना तक हमने देखा था, यहाँ तक कि बेल्जियम का टेलीविज़न पर भी, नेशनल TV में भी आया था, उसमें जितना भी देखा था सिर्फ वही कुछ सेकंड का क्लिप को ही दिखा रहे हैं। और उन्होंने कभी हमारे किसी लीडरशिप को या हमारा किसी समुदाय को या हमारा लद्दाखी हो या हमारा जितना भी बुद्धिस्ट जो हिमालय रीजन का किसी को भी
इसके बारे में या कहीं कहाँ से आए, कम से कम ये तो ढूंढना चाहिए कि इनको ये सोर्स कहाँ से आ रहा है। इज इट अ रिलायबल सोर्स? जो मीडिया का क्लिपिंग ले रहे हैं वो देखना चाहिए ना, कि उससे फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो गया हमारा। जो जितना भी अभी चला हुआ है, हर जगह, हर दुनिया के हर कोने में अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि इससे हमारा दलाई लामा जी का छवि जो इम्पैकेबल है, आज की डेट तक कोई भी इनको धाक तक नहीं लगा, और इसको प्रमोट कर रहे चाइना। जितना भी इनका हैकर्स होते हैं, जो भी रखा हुआ है इन्होंने, हर कोने में रखा हुआ है, तो ऐसे ही इन्होंने इनका एक साजिश रखा हुआ है कि हाँ देखो अब ऐसी सिचुएशन आया हुआ है, ऐसे सोशल उसको वायरल करते हैं। तो उन्होंने उनके थ्रू जिन्ना भी, और ये जो कुछ चैनल्स है, न्यूज़ फॉर हिमालय वो चैनल है, और उस उनकी जो कमेंटेटर है जो पीछे शक्ल नहीं दिखा रहे, उसने बहुत बुरा बोला हमारे तिब्बती समुदाय के लोग और दलाई लामा जी के बारे में बुरा कह रहा है। तो हमने वैसी रिपोर्ट किया हुआ है, उसके हिसाब से जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट करना है वो तो हमने रिपोर्ट किया हुआ है। अब मालूम नहीं उसका कितना असर होगा। जो दलाई लामा जी के पक्ष में जो क्लेरिफिकेशन दे रहे वो भी वहाँ से हटा रहे, उसको हटा रहे, जो मालूम नहीं कौन कर रहे ये, मतलब देयर समथिंग गोइंग ऑन, अ वेरी फिशी गोइंग ऑन। तो हम चाहते हैं कि हम सब समुदाय लोग यहाँ पर, सिर्फ बुद्धिस्ट अकेला नहीं है, दलाई लामा जी जब भी बोलते हैं हमने नॉन वायलेंस, हमारा कोऑपरेशन, जो हमारे जो जितना भी धर्म है उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ पाता है जो हमारे सोसाइटी या कहीं भी हो गुपचुप में, वो हमारा दलाई लामा जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, जो अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह पर रहे हैं, तो वो उसी पे कर रहे हैं कि वी हैव फर्वेंट डिवोशन फॉर अवर होलीनेस एंड उसमें वी स्टैंड विथ हिज होलीनेस। एंड अगर आप चाहे तो वो पूरा क्लिप देखे, फिर एज अ ह्यूमन बींग दलाई लामा जी को एक इंसान के नाते रख के उसका देखो, आप खुद यूज योर कॉन्शंस, आप अपना दिमाग यूज करके उसको देखो, वो उसमें एनी पर्टिकुलर एब्यूज इन दैट वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो, वो जो क्लिपिंग जितना भी लंबा सा है वो पूरा देख के फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिवॉल्सर से लक्ष्मी दत्त शर्मा की रिपोर्ट।